गोलक जो एक धार्मिक स्थान पे पड़ी होती है, जिसको हम ये मानकर चलते हैं कि जब हम उस गोलक में पैसा डालते हैं तो वो भगवान तक पहुंचता है, लेकिन गुरबानी में कहा गया है गरीब का मुंह गुरु की गोलक, कि अगर हम किसी गरीब के मुंह में डाल देंगे तो ये मान लिया जाए कि वो गुरु तक पहुंच गया। जब हमारे धार्मिक स्थानों पर हम जो पैसा डाल रहे हैं वो मान रहे हैं कि भगवान देख रहा है, तो गरीब के मुंह में डाला हुआ अभी तो भगवान के पास ही पहुंचेगा। ये थोड़ी सी अगर आप लोग समझ जाएं, तो मेरे को लगता है कि ये जो सारी मुश्किलें आसपास दुख हैं वो नहीं लगेंगे, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज़्यादा दुख देखे जाते हैं। और आज के दौर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अस्पताल ना जाना पड़े। हमारा एक यूनिक कंसेप्ट है रोटी बैंक, जिसको भारत के राष्ट्रपति जी ने भी सराहा है। और 3 जनवरी 2020 को मैं अपने एक रोटी बैंक की और लंगर की प्रेजेंटेशन महामहिम राष्ट्रपति को भी देकर आया था, जिसमें उन्होंने उसकी बहुत जमकर तारीफ की और अपने अगले शिमला के दौरे में विशेष तौर पर हमारे लंगर में आने का वादा किया। वो हमारा कंसेप्ट है रोटी बैंक, जिसमें हमारे शिमला के 40 रोटी बैंकों से हमें रोटियां आती हैं, 25,000 बच्चा हमें रोटियां देता है, और जो सबसे दूर की रोटी आती है वो शिमला से 4 घंटे दूर से आती है, और शिमला के लगभग सभी स्कूलों के बच्चे हमारे उस रोटी बैंक में जुड़ चुके हैं। अपने लंच के साथ एक एक्स्ट्रा रोटी लेकर आनी होती है हर बच्चे को, और हमारी वो लंगर की गाड़ी वहाँ पर जाकर वो रोटियाँ कलेक्ट करती। एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, सुनने में शायद सिंपल है लेकिन इतना बड़ा कंसेप्ट है कि हर घर से रोटी आ रही है और उस लंगर में बांटी जा रही है, मानवता का संदेश दे रही है, शेयरिंग का संदेश दे रही है, और उन लोगों को प्रेरणा दे रही है जो आज जात पात में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे हुए हैं। किसके घर की रोटी आई, किसने खाई, ये शायद कोई भी नहीं जानता, और उस लंगर में वो व्यक्ति रोटी खा रहे हैं जो सचमुच में लाचार हैं, असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं। मेरे फ्यूचर के भी यही कंसेप्ट हैं कि ऐसे रोटी बैंक पूरे भारत में शुरू किया जाए और बच्चों को शेयरिंग की हैबिट डाली जाए। मुश्किलें तो आज भी हैं और वो खड़ी हैं, लेकिन मुझे पता कि वो मुश्किलें बहुत सारे सबक देकर जाती हैं। आज भी उस लंगर को चलाना इतना आसान नहीं है जितना शायद लोगों को दिखता है। कई लोग उसके अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं अपने अनुसार, लेकिन हमारी तरफ आकर देखो, हमारे नज़रिए से सोचो कि पेशेंट का दुख तकलीफ क्या होती है, कि लोग क्या क्या सफ़र कर रहे हैं, उनको ब्लड के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, उनको एक एक टेस्ट के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। व्यवस्थाएँ बहुत हैं, आबादी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुधारी नहीं जा सकती हैं। जील होनी चाहिए, काम के प्रति लगन होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप हमारी एक अलग से मुहिम है, जिसमें मैं बच्चों को एक प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ कि ब्लड से भी आप किसी का जीवन बचा सकते हैं। साल में कम से कम आप 4 बारी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसाइड कर लें कि आपने अपने जन्मदिन वाले ही दिन देना है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुहिम का रूप ले सकती है कि ब्लड डोनेशन से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। जब वो मेरी वेला बॉबी वाली पोस्ट वायरल हुई और 5 करोड़ लोगों ने उस पोस्ट को पढ़ा, तो दुनिया भर से मुझे कॉल आए, लगभग 50 कंट्री से भी फ़ोन आए और पूरे भारत से कॉलें आनी शुरू हो गई। तो कई ऐसे मौके भी मिले कि मुझे अपनी टॉक्स करने का मौका मिला। 3-4 बारी तो मैंने मुंबई में जाकर टॉक दी, IIT मुंबई में भी जाकर टॉक दी, और अर्नब गोस्वामी जी के साथ भी एक शो किया। अभी पीछे जैसे ही मुझे हीरो होंडा कंपनी ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया था। अभी RSPL वालों ग्रुप ने भी मुझे आने के लिए न्योता दिया है कि तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को एक प्रेरणा देंगे कि कैसे एक छोटी सी मुहिम कितना बड़ा रूप ले सकती है। तो मुझे स्कूल कॉलेजेस में टॉक्स देने का बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बच्चों को समझा सकते हैं, बुज़ुर्गों को, रूढ़वादी लोगों को नहीं समझा सकते। मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इस 20 सालों के सफ़र में जो सबसे बढ़िया बात रही वो लोगों के सपोर्ट की रही, कि इतनी बड़ी एक मुहिम को चलाने के लिए लोगों ने अथाह सहयोग दिया। लेकिन आज भी एक टीस रहती है
कि जिसको काम करना चाहिए था उन्होंने आज तक हमारे उस लंगर के बारे में आकर पूछा तक नहीं, वो है सरकार। हालांकि उस लंगर में बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर लंगर बांटते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज तक लंगर आकर बांट गए हैं, लेकिन जब सहयोग की बात आती है तो कुछ चुनिंदा लोग ही इस में सहयोग देते हैं। लेकिन जितना सहयोग मुझे उपेक्षित है ताकि इस व्यवस्था को और बढ़ाया जा सके, वो आज भी हमारा दर्द है कि हमें काम करने में बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं, पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। नहीं तो इस लंगर का एक रोल मॉडल बनाकर मैं पूरे प्रदेश में साबित करता, हमारे लंगर से प्रेरणा लेकर हिमाचल में तो 8-10 जगह लंगर चल भी पड़े हैं, लेकिन मैं ये मुहिम पूरे भारत में फैलाना चाहता था कि ये लंगर का कंसेप्ट है, ऐसे लंगर लगाया जाता है, आप भी अपने शहर में लगाइए। लोग न जाने अपने सुख से क्यों दुखी रहते हैं, लेकिन अगर किसी को असली दुख देखना है तो अस्पताल में आए, उस माँ से मिले जिसके 2 साल के बच्चे को कैंसर है, उससे मिलकर उसके दर्द को समझे जिसको रोज रक्त की आवश्यकता है, जो रोज अपने बच्चे को तिल तिल करता मरती देख रही है, क्योंकि कैंसर के बच्चे इलाज नहीं होता, माँ की गोद में ही वो मर जाते हैं। 6 सालों में जितना दर्द हमने कैंसर अस्पताल में देखा वो शायद कहीं और नहीं देखने को मिलता। हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नहीं मनाते, लेकिन अगर दूसरों को दुख को अगर हम बांट लें तो हमें और ज़्यादा खुशी मिलेगी।